गई टू नीलोफर ब्लॉग। कहते हैं लोगों की दिल का रास्ता उसके पेट से होकर, हमारे बालों का रास्ता हमारे ऑयल से होकर गुजरता है। मार्केट में ना अनगिनत ऑयल होते हैं। कुछ मुझे बहुत पसंद आता है कि मैं अपने बालों के लिए कुछ DIY को ट्राई करूं। इससे पहले मैंने बहुत सारे ऑयल्स शेयर करी थी, हेयर मास्क शेयर करी थी। आज भी आपके साथ में शेयर करूँगी एक मिक्स वाला ऑयल, यानी मेरे पास जितने भी मेरे फेवरेट ऑयल है ना, सबको मिक्स करेंगे और इसको मिक्स करके अपने बालों में लगाएंगे, ताकि डिफरेंट टाइप्स के ऑयल्स की जो बेनिफिट्स है हमें एक में मिले और हमें डिफरेंट वे में हमारे बालों को उसका बेनिफिट मिले। और वो कौन कौन सा ऑयल है हम जानेंगे आगे, और मैं सबके ना बेनिफिट ही बताती चलूँगी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि कौन से ऑयल का क्या बेनिफिट है और हमें क्या मिलने वाला है। सो लेट्स बिगिन गाइड। उससे पहले इफ यू विजिट फर्स्ट टाइम, मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करें, डू लाइक डू कमेंट। सो लेट्स बिगिन गाइड। सो मेरे पास ये खाली कंटेनर है, ये मेरे पास सीरम का कंटेनर था, तो मैंने क्या करा इसको अच्छे से वॉश करके इसको क्लीन करके रख ली थी, बिकॉज ऐसे कंटेनर बहुत काम में आते हैं। नाउ अब इसमें ऐड करेंगे हम सबसे पहले मेरा फेवरेट ऑयल, और वो है ऑलिव ऑयल। देखो ऑलिव ऑयल में ना एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज होते हैं, जो आपके स्कैल्प को सूथ करते हैं, और अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो आपके स्कैल्प में तो ये उसको दूर करता है, सबसे अच्छी बात। और ये थिक होता है, तो यू कैन सी आप इसको अपने जजमेंट के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ले सकते हैं। नाउ ऐड करेंगे कैस्टर ऑयल, ये ब्लैक कैस्टर ऑयल है, ये बहुत ही ज़्यादा थिक होता है, ब्लैक होता है, बाल में हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, न्यू हेयर को जनरेट करता है। जैसे हमारे फॉलिकल्स ब्लॉक हो जाते हैं ना, तो जैसे हम इसको अप्लाई करेंगे तो फॉलिकल से हमारे न्यू हेयर जनरेट होने लगते हैं। तो ये काफ़ी थिकर है, ब्लैकर है, और बहुत ही अच्छे से एब्जॉर्ब होता है हमारे बालों में। नाउ थर्ड है मेरा फेवरेट ऑयल जो होता है कोकोनट ऑयल। ये मेरे पास बायो ऑर्गेनिक का था, इसका ब्रांड का नाम नहीं दिख रहा है बिकॉज इसका जो ब्रांडिंग थी वो निकल चुकी है। तो कोकोनट ऑयल, जैसे कि हम जानते हैं कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमारे बालों को नरिश करने के लिए कोकोनट से बेहतर कुछ नहीं होता है। उसके बाद मैं ऐड करूँगी एक और एक कैस्टर ऑयल। हमने जो पहले यूज़ किया था वो था ब्लैक कैस्टर ऑयल, और ये वाला जो है ना, ये जो नॉर्मल हमको किसी भी नियर बाय से मिल जाता है ना, तो ये वो वाला है। दोनों सेम होते हैं, डिफरेंस सिर्फ इतना होता है कि ब्लैक कैस्टर ऑयल में बेनिफिट ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं और रिज़ल्ट जल्दी मिलता है, और ये वाले कैस्टर ऑयल में भी रिज़ल्ट सेम होता है बट हमको थोड़ा टाइम देता है। नाउ ऐड करेंगे हमारा बादाम ऑयल, ये मेरा फेवरेट है, मेरे को इसको स्किन पे लगाने के लिए भी बहुत ही अच्छा लगता है। एलमंड में रिच इन बायोटीन होता है, प्लस B7 होता है, ये बालों में सॉफ्टनेस, शाइननेस, स्मूथनेस लाता है, ये डैंड्रफ को भी रिमूव करता है और बालों में ना शाइन सी पैदा करता है। नाउ इसके बाद में ऐड करेंगे लेवेंडर ऑयल, ये असेंशियल था और ये थोड़ा सा खुल नहीं रहा था, बट मैंने जैसे वैसे इसे कुछ ड्रॉप्स डाल दी, ये आपको सूथिंग या कामिंग करेगा। इसके अलावा ये अल गुडनेस का मेरे पास अब्रमी एंड कैस्टर ऑयल का एक मिक्सचर था, मैंने उसको भी इसमें ऐड कर दिया। अगर आप चाहो तो आप इसका स्किप कर सकते हो, बट मेरे पास जितने भी ऑयल थे ज़्यादा से ज़्यादा मैं उसको ऐड करने की कोशिश कर रही थी। तो ये सारे मिक्सचर रेडी हो के, ये रेडी हो चुका है हमारा ऑयल। यू कैन सी ये कितना कलर, मतलब ऐसा लग रहा है कि एक अलग अलग इसमें लेयर सी लग रही है, बिकॉज इसमें डिफरेंट ऑयल्स के मिक्सचर है और ये डिफरेंट ऑयल हमारे बालों में डिफरेंट टाइप्स के वर्क करेंगे, बेनिफिट देंगे। तो ये था हमारा ऑयल, इसको अच्छी तरह से शेक करें और यू कैन इसको यूज़ कर सकते हो आप नाइट टाइम में, जब भी आपको आपका हेयर वॉश करना हो या जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो आप इसको यूज़ कर सकते हो।
ये सारे ऑयल ना हमेशा मेरे पास रहते हैं, मैं एक से बढ़कर एक ऑयल है ये, सबके अपने अपने गुडनेस है, सबके अपने अपने बेनिफिट्स है। और सोचो जब ये सब एक साथ मिल जाएंगे तो वो आपके बालों में डिफरेंट वे में वर्क करेंगे। सो गाइज डेफिनेटली ट्राई करना, अगर आपके पास भी ऐसे बहुत सारे ऑयल है तो सबको मिक्स करके एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना, ये आपको डेफिनेटली रिग्रेट होने नहीं देंगे। सो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक ये अपना ध्यान रखिए, मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।